हत्या की है, इन लोगों ने जानबूझ के हत्या की है, गोली मारी है। अभी 25 तारीख को आई थी, गाड़ी कह रहे थे गाड़ी दो, फॉर्चूनर गाड़ी मांग रहे थे, मारा इनने। हिमांशी ये कह रही थी कि पापा घर चलेंगे, ये लोग परेशान कर रहे हैं। कह रही गाड़ी की क्या हुआ, मैंने की गाड़ी के एक महीने रुक गया, मेरी प्लाटिंग का काम है छोटा मोटा। वो जो कह रहे हैं वो उनके दुख है, उनकी तकलीफ है, इस समय का वक्त है। कोई आदमी शादी से आज तक उनके परिवार का ये कह दे कि उन्होंने शादी के समय या शादी के बाद तक मुझे कोई दहेज दिया हो, कभी मैंने दहेज मांगा हो, मैं एक सांसद हूँ, मेरा बेटा MBBS था उस समय भी, बिल्कुल, और मैं कह रहा हूँ मैं बिना दहेज शादी करूंगा, मैंने ऐलान किया था। कल उसके यहाँ दाग था हल्का सा, यहाँ कान के पास, यहाँ अभी भी बॉडी पे कोई आंख पे, यहाँ पे काले काले सब स्पॉट पड़े हैं। सर आप भी खुद एक एडवोकेट भी हैं, आपको इसमें दो चीजें इन्वेस्टिगेशन में अभी पुलिस की आई हैं कि आपने पुलिस को पहले फोन नहीं किया और वो सीन ऑफ क्राइम को डिस्टर्ब किया और रिवॉल्वर जो है अलमारी के ऊपर रखा मिला, ऐसा कैसे हुआ सर? चूंकि जिस समय वो डोरी हमें खबर मिली उस समय हमें जरूरी जरूरत है अस्पताल जाने की, शायद भगवान करे कोई जान बच जाए, कोई इलाज हो जाए, इसलिए उस समय पुलिस को फोन करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन जब मैं अस्पताल में यहाँ पे आ गया तो फिर हमने पुलिस को बात की। और वो रिवॉल्वर वहाँ तक कैसे पहुँचा सर? उठा के रखा रिवॉल्वर वहाँ से। अच्छा, बकायदा उठा के रखा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है सर, उठा के रखा। अब आप क्या एक्शन लेंगे सर? मैं रिपोर्ट लिखाऊंगा सबके खिलाफ, सांसद जी के खिलाफ भी लिखाऊंगा, सबसे पहले उनके खिलाफ लिखाऊंगा, उनके भी आगे बेटियाँ हैं, अगर ऐसे मारते रहे जो बड़े बड़े लोग तो ऐसे सब लोग बेटियों वाले बेचारे मर जाएंगे। मैं पुलिस के पूरे तफ्तीश में साथ दूंगा। मैंने SP को कहा, थाने में कहा कि मैं अब तैयार हूँ, मेरा परिवार तैयार है जेल जाने के लिए, थाने में जाने के लिए, ईमानदारी के लिए, अगर मुझ पर दोष कोई साबित हो जाए। वो हीरालाल कश्यप चाहे इस मामले में मैं MP हूँ, उन्हें लगता हो कि मेरा कोई फेवर हो रहा होगा, मैं ये भी कहता हूँ CBI की जांच करा।